हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, टाइम हो चुका है आपका शाम के 4 बजे और आपका जो है डेट है 6 अक्टूबर, ठीक है। 6 अक्टूबर शाम के 4 बज चुका है और यहाँ पर आपके नया नोटिस आया है जो कि रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल, मतलब आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि 6 अक्टूबर लास्ट डेट इसकी बढ़ा देगी। तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें, डाउट्स थी कि हमारा फेस थर्ड का अलॉटमेंट रिजल्ट कब होगा, फेस फोर्थ का आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो सारे यहाँ पर आपको जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर कर दिया गया और एक नया शेड्यूल रिलीज कर दिया। तो इसमें सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहे थे फेस थर्ड के, ठीक है, तो वह आपका 23 सितंबर से स्टार्ट थे और यहाँ पर आपका 6 अक्टूबर तक आप कर सकते थे, लेकिन इसमें टाइमिंग की दिक्कत थी तो टाइमिंग को बिल्कुल स्पेशली जो है अलग से मेंशन कर दिया गया है पर्टिकुलर कि यहाँ पर देखिए 6 अक्टूबर को आप शाम के 6 बजे तक, ठीक है, शाम के 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शाम के 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। मिडनाइट लिखा है, मतलब कि रात के 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ शाम को 6 बजे तक ही कर पाएंगे आज, मतलब कि 6 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब होगा, मतलब आपका रिजल्ट कब आएगा। तो 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका, जितने टाइम आएगा हम आपको पूरा एक्जैक्टली कल बता देंगे और आपका जैसे अलॉटमेंट आएगा तो आपको दिखा भी देंगे कि आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। बस आप साथ बने रहेगा तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहेगा। फिर बात कर लेते हैं फेज फोर्थ के रजिस्ट्रेशन के, तो फेज फोर्थ के देखिए रजिस्ट्रेशन आपके 7 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। इसके बाद आप 8, 9, 10 तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और 11 तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। मतलब 11 तारीख को सिर्फ आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। बाकी आप 7 को सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग नहीं होगा। 8, 9, 10 इन तीनों डेट में आप चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों साथ साथ कर सकते हैं। तो सारी डेट्स यहाँ पर आपके सामने क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और फेज फोर्थ का अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आपका 12 अक्टूबर को जारी होगा। तो ये सारी डेट्स हैं, ऑफिशियल डेट्स हैं और ये आपका जो है अलॉटमेंट, उसमें सॉरी काउंसलिंग आपका शेड्यूल उसको चेंज किया गया और उसके बाद ये नई डेट्स आई हैं। जो आपके पूल काउंसलिंग डेट थी वो आपकी वही डेट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। 22 अक्टूबर से आपकी जो है पूल काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपका 22 अक्टूबर से उसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। बाकी उसका भी हम पूरा आपको बताएंगे कब से क्या चीज़ें होना। तो यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आपका नया आ चुका है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार इसको अच्छे से आप देख भी सकते हैं, पूरा हमने आपको एक अच्छे से बता दिया, ठीक है। एक बार मैं जूम करके आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप खुद से देख लीजिएगा। बाकी सारी डेटा यहाँ पर क्लियर हैं डेट्स, वैसे जो भी और जो नया अपडेट्स आपका जैसे आएगा हम आपको वहाँ पर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप जिनका रजिस्ट्रेशन है वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फेज फोर्थ वाले कल से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अलॉटमेंट रिजल्ट आपका कल जितने भी टाइम आएगा हम आपको तुरंत जो है इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, आप साथ बने रहिएगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।